वेलकम स्टूडेंट्स एट द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट माइकल स्कैंडिनेविया। माय सेल्फ संजय कुमार गुप्ता, मैथ्स एंड साइंस टीचर। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट साइंस फॉर क्लास 7 चैप्टर 13 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इवन दिस इज माय थर्ड वीडियो रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड प्रीवियस चैप्टर we have considered about circulatory system in which we have read about blood. Now in this video we shall consider about blood vessels which is divided or conducted by three parts: arteries, veins and capillaries. These arteries, veins and capillaries are pipelines that carry oxygenated blood from heart to all cells to our body, while veins remove the deoxygenated blood from all cells from body to the heart, and capillaries are the finest blood tubes that connect the arteries and veins. Now about them we can know in detail through our book. So let's start reading book and try to know more something about them. Blood vessels. Blood flows through a system of tube called blood vessels. There are three kinds of blood vessels: arteries, veins and capillaries. Students, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में ब्लड को ले जाने के लिए, कैरी कराने के लिए तीन तरह के ट्यूब पाए जाते हैं। पहला आर्टरीज, फिर वेन्स और तब कैपिलरी जाते हैं। आर्टरीज, एज यू नो, इट इज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सो आर्टरीज carry blood away from the heart. They have thick and muscular wall. The force of heart pumping keeps the blood flowing through artery. क्योंकि जब हमारे heart से blood का pumping होता है, blood निकल कर शरीर के दूसरे हिस्सों में जाता है, इस समय एक जोर का झटका हमारा हृदय देता है और इस झटके को सहन करने के लिए जो आर्टरीज ट्यूब होता है वह मोटा होता है और साथ में इसके जो दीवार होते हैं वह काफी सख्त होते हैं। द ब्लड इन आर्टरीज इज ब्राइट रेड इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। इन आर्टरीज ब्लड फ्लोज विथ जर्क एंड अंडर ग्रेट फोर्स। चूंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब रक्त का प्रवाह इन पाइपों से होता है तो यह पाइप काफी झटके के साथ ब्लड को अंदर ले जाता है और यहां एक जोर का फोर्स लगता है। वी कैन फील द ब्लड फ्लो इन रेडियल आर्टरी ऑन द इनर साइड ऑफ द रिस्ट, जो कि हम अपने कलाइयों पर इसके स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड पल्स। दिस थ्रॉबिंग मूवमेंट दैट कैन बी फेल्ट बाई अस ऑन आवर रिस्ट इज कॉल्ड पल्स। इनको हम धड़कन जैसे कहते हैं। तो हम इससे यह पता करते हैं कि हमारे हृदय की धड़कन कैसी है, यह एक मिनट में कितनी बार थ्रॉब कर रहा है, और इस तरह से हम
किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच भी कर सकते हैं। नाउ द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड aorta। इट arises from the left ventricle of heart। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल्स। तो इस समय क्या होता है कि जो आर्टरी से निकले हुए ब्लड होते हैं या हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से आउट होते हैं और फिर यहाँ से वे कई शाखाओं में बढ़ते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच जाते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, दिस ब्रांचेज आउट इनटू आर्टरीज ऑन एंट्रिंग सम बॉडी ऑर्गन। इच आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर एंड ए स्मॉलर वेसल्स विच एंड इनटू द फाइन कैपिलरीज। यानी यहाँ से उनकी शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं और फिर अंत में यह छोटे से छोटे वेसल्स होते हुए यह कैपिलरीज में प्रवेश कर जाते हैं। वेंस, वेंस कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू दी हार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शिराएं यानी वेंस ऐसे ट्यूब होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों से ऑक्सीजन रहित यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित गैसों को और फिर कुछ वेस्ट मटेरियल को अपने साथ कैरी कराते हैं और वह उस दूषित ब्लड को हमारे हार्ट तक लाने का कार्य करते हैं। दे हैव थिन वॉल्स, दी वॉल्स प्रेजेंट इनसाइड वेंस मेक द ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। चूंकि जैसा कि आर्टरीज में आपने देखा कि हृदय से निकले हुए ब्लड या शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, इसलिए बहुत सारे उसमें ब्रांचेज होते हैं और यह अलग अलग रास्तों में फैल जाते हैं, लेकिन वेंस में जो ब्लड आते हैं वह सीधे अलग अलग स्थानों से होते हुए हार्ट तक पहुंचते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंस इज नॉट जर्की एंड द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड एंड सो इट इज डार्कर इन कलर। यू कैन सी सम ऑफ योर वेंस बिकॉज दे आर जस्ट अंडर द स्किन। ऐसा कि अगर आप अपने हाथों में ध्यान से देखें तो कलाइयों पर आप इनके उपस्थिति का जायजा ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये कुछ नीले कलर में दिखलाई पड़ते हैं क्योंकि ये हमारे स्किन के ठीक नीचे होते हैं। दे आर मोर प्रोमिनेंट इन ओल्ड पर्सन्स। वेंस बिगिन एज कैपिलरीज, दे ज्वाइन एंड रीज्वाइन टू फॉर्म लार्ज वेंस दैट ओपन इनटू द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। चूंकि ये कैपिलरीज तक आते हैं और फिर यहां से यह पुनः बड़े वेंस का निर्माण भी करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और फिर ये हृदय के राइट ऑरिकल्स में प्रवेश करते हैं, वहां उससे संबंधित हो जाते हैं। नाउ कम्स कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स। चूंकि ये बहुत ही महीन रक्त वाहिकाएं होती हैं, दे कनेक्ट आर्टरीज विद वेंस। द कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल, चूंकि इनके जो दीवार होते हैं यह बहुत ही पतले होते हैं। एट द कैपिलरीज फूड एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम ब्लड टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स पास फ्रॉम सेल्स टू दी
यानी कैपिलरी जैसा कि आपको बताया गया कि ऐसा प्लेस होता है जहां वेन्स और आर्टरी आकर मिलते हैं, तो इस स्थान पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह सेल से होते हुए ब्लड में मिलते हैं और फिर ब्लड यहां से डिफरेंट सेल्स में भेज जाते हैं। सो वी कैन नो अबाउट द डिफरेंसेस एमंग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड विथ नैरो ल्यूमेन, व्हाइल वेन्स आर थिन वॉल्ड विथ वाइड ल्यूमेन एंड कैपिलरीज हैव थिन वॉल्ड नैरो ट्यूब्स विथ नैरो ल्यूमेन। इन आर्टरी ब्लड फ्लोस फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स, व्हाइल फ्रॉम वेन्स ब्लड फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट, बट इन कैपिलरीज दे ज्वाइन आर्टरी विद द वेन एंड फॉर्म अ नेटवर्क इन द बॉडी ऑर्गन्स। आर्टरीज सप्लाइज ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स, वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द हार्ट, व्हाइल कैपिलरी helps in the exchange of food, oxygen and carbon dioxide between blood and tissue. Artery situated deeper under the skin, while vein situated just under the skin and capillary situated very deep within the organs. Artery carries oxygenated blood, vein carries deoxygenated blood and capillary carries both type of blood. जैसा कि आपने देखा कि arteries के जो lumens होते हैं वह कैसे होते हैं, यह मोटे होते हैं, मोटे दीवार वाले होते हैं, जबकि veins में पतले दीवार होते हैं, और capillaries यह पतले और सकरे tubes होते हैं जिनके दीवार पतले होते हैं। और आर्टरी का कार्य हार्ट से ब्लड को दूसरे अंगों में ले जाना होता है, जबकि वेन का कार्य है शरीर के विभिन्न अंगों से डीऑक्सीजेटेड ब्लड को हार्ट तक ले आना, जबकि कैपिलरीज या आर्टरी और वेन्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। आर्टरी या पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करते हैं, जबकि वेन पूरे शरीर से वेस्ट मटेरियल्स को लेकर हार्ट तक आते हैं, और कैपिलरीज यह भोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड और टिश्यूज के बीच वितरण आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। आर्टरी स्किन के काफ़ी गहराई में होते हैं, जबकि वेन स्किन के ठीक नीचे स्थित होते हैं, और कैपिलरी यह हमारे शरीर के अंगों के भीतरी हिस्सों में स्थित होते हैं। आर्टरी ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कैरी करते हैं, जबकि वेन ऑक्सीजन रहित ब्लड को शरीर से हार्ट तक लाने का काम करते हैं, और कैपिलरीज यह दोनों ही तरह के ब्लड का संवहन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर कंक्लूडिंग द टॉपिक। नाउ अबाउट हार्ट वी शैल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।